मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बासोदा इलाके दे विच वीरवार नूं खूह तों एक लड़के नूं कढ़न की कोशिश दौरान अंदर डिगे 19 लोगों नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया गया। 11 लोगों की मौत हुई है, जिन्हां दीआं लाशां भी बरामद कीतीआं गईआं ने। शुक्रवार देर रात सूबे के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लड़के की लाश खूह तों कढ़ी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खूह च डिग के जान गवाउण वाले मृतकों के परिवारक मैंबरां नूं 2 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया है। हृदय प्रदारक घटना है, मौत के लिए वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी 5-5 लाख रुपया और मृतक को और 50,000 रुपया घायलों के लिए दिया है। हमारी SDRF होमगार्ड विदिशा की टीम यहाँ रेस्क्यू कार्य कर रही थी। हमने फ्लोटिंग पंप डाले हुए थे, 2 पंपिंग सेट और लगे थे जिनसे पानी बाहर फेंका जा रहा था। अचानक बीच में ये डिसीजन हुआ कि पानी की इसकी दीवार तोड़ दी जाए जिससे पानी फोर्सली निकल जाए। तो हम लोग अपना जो फ्लोटिंग पंप वगैरह निकाल ही रहे थे, इसी बीच में किसी फोकलैंड वाले को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, सभी हट नहीं पाए थे। तो और उसने क्या है, उसमें जो उसकी दीवार थी उस पर मार किया, इससे क्या है पूरा जमीन उस एरिया की बैठ गई और हम लोग पानी के अंदर चले गए। आप लोग, आपके साथ में कितने लोग रेस्क्यू कार्य करने के दौरान नीचे हमारे 3 लोग हमारे साथी जो थे वो अंदर चले गए थे। एक हमारे ASI विश्वकर्मा थे और एक हमारा मेजर था रमेश लाल, हम तीनों अंदर चले गए थे। सुरक्षित बाहर आए। गल्लां कई हुंदियां ने, कुछ माहौल बनाउण वालियां, कुछ बिगाड़न वालियां, कदे कदे ड्राउन धमकाउण वालियां, ते कुछ सच दे लिफाफे च झूठ दी चिट्ठी पहुंचाण वालियां। उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। अजिहियां गल्लां हुण होर नहीं, क्योंकि आ रहा है साफ सिद्धियां ते सच्चियां गल्लां दा पहला शो मुक्ति गल, मेरे यानी जगविंदर पटियाल दे नाल।